ओके गाइज, लेट्स सी नवंबर वीक सेकेंड एंड वीक थर्ड करंट अफेयर्स विल सी क्विज. ठीक है, नवंबर 17th of नवंबर 2021 का क्विज देख लो. स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस मैम. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 गाइज, हम लोग फटाफट से क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 ये है, विच प्लेयर वन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट टाइटल एट द 2021 T20 वर्ल्ड कप फाइनल? फटाफट से आंसर बताओ एवरीवन. आई वांट ऑल द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन दिस गाइस. एक क्विज है और जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो बंदर. बी 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 लग रहा है, मिशेल मार्श. ओके गाइस, देख लो आंसर. आंसर गलत है, तुम लोग गलत हो. आंसर है सी, डेविड वार्नर. सो गाइस, डेविड वार्नर हैज वन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट टाइटल एट 2021 T20 वर्ल्ड कप फाइनल. यस, समवन वाज सेइंग समथिंग. राजलक्ष्मी वाज सेइंग समथिंग. नो मैम, ओके, सॉरी. चलो फटाफट से गाइस, इसमें कोई डाउट्स वगैरह नहीं होना चाहिए, ये बस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है आप लोगों का. क्या आंसर है बताओ मुझे, विच प्लेयर, कौन सा प्लेयर है? जल्दी. डेविड हाँ, ये फटाफट से खत्म करेंगे हम लोग, अगर टाइम बचता है गाइस दोबारा एक बार देख लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 ये है आप लोगों के स्क्रीन पर, ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पर. हाँ, रिनोड हिस्टोरियन एंड ऑथर बाबा साहेब पुरंदरे हु पास्ट अवे रिसेंटली रोट एक्सटेंसिवली अबाउट विच ऑफ दीज रूलर्स? यस, आंसर क्या लगता है? बाबा साहेब पुरंदरे किसके बारे में लिखा है उन्होंने? ऑप्शन ऑप्शन ए लग रहा है, है बाबा साहेब अंबेडकर. सी सो गाइस, तुम लोग ऑप्शन गलत हो. आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज सॉरी, टर्मिनस बोल रही हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज. तो रिनोड हिस्टोरियन एंड ऑथर बाबा साहेब पुरंदरी हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली रोज रोट एक्सटेंसिवली अबाउट कौन से रूलर्स? छत्रपति शिवाजी महाराज. शिवाजी महाराज, बस खत्म. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. यस, विच F1 ड्राइवर प्लेयर हैज वन द 2021 F1 ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स? ऑप्शन ए. ए लग रहा है, ईश्वरी सलुंके. ओके, लेट्स सी, आंसर इज ए, लेविस हैमिल्टन. गाइज यहाँ पे देख लो, लेविस हैमिल्टन जो है ये ग्रेट ब्रिटेन के प्लेयर है. इन्होंने क्या जीता है? 2021 F1 साओ पोलो ग्रैंड प्रिक्स. ठीक है, जिसको पहले क्या बोलते थे हम लोग, ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स. ठीक है, अगला क्वेश्चन. द ट्राइलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज नेम्ड सिटमैक्स 21 विल बी हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज? सिटमैक्स किस किस के बीच में होगा? विशाल आंसर बताओ फटाफट से. सेट में सी होगा सर, सिंगापुर. सी लग रहा है, लॉक किया जाए सी सब लोग. यस चलो, बहुत ही खुशी हो रही है ये बताते हुए कि तुम लोग गलत हो. इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड कैसे याद रखेंगे? देखो यहाँ पे TTS हो गया, एस मतलब सिंगापुर, आई मतलब इंडिया, टी मतलब थाईलैंड. खत्म. नेक्स्ट, आगे बढ़ते गए. ये थर्ड एडिशन था. ओके, नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व कभी होता है? नेशनल प्रेस डे, क्विक. ऑप्शन ई. ऑप्शन ए दिव्या, आंसर है सी, 16 नवंबर. गए 16 नवंबर को है नेशनल प्रेस डे. नेक्स्ट, हु हैज बीन अवार्डेड द 2021 इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज अवार्ड? यस गाइज, आंसर बताओ फटाफट. क्या हो गया, इतना शांत क्यों हो गया? अपने को बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, जल्दी. दोज आर हैविंग नेटवर्क इश्यूज गाइज, यू ऑल कैन सेंड अ मैसेज इन द ग्रुप, आई मीन नॉट ग्रुप, ओवर हियर सो दैट आई कैन रीड इट. हु हैज बीन अवार्डेड द 2021 इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज अवार्ड?
इसका आंसर देख लो गाइस, अगर नहीं आ रहा है तो डी है इसका आंसर, है डी, यानी कि विहान अग्रवाल एंड नव अग्रवाल. क्या आंसर है? विहान अग्रवाल एंड नव अग्रवाल हैव बीन अवार्डेड द 2021 इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज अवार्ड. ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर. इंडिया हैज रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ विच एडिशन ऑफ द साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू एंटार्क्टिका इन नवंबर 2021. यस गाइस, आंसर क्विक. अगर आप लोगों को नहीं भी आ रहा है कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुक्के तो मारो. 43rd. 43rd. ओके, इटाची इज सेइंग 23rd. आंसर इज 41. ओके, कोई बात नहीं. सो इंडिया हैज रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ 41st एडिशन ऑफ द साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू एंटार्क्टिका इन नवंबर 2021. ठीक है, अगर तुम लोग कोई भी काम कर रहे हो गाइस, सारे के सारे काम साइड में रखो और सब लोग लेक्चर में ध्यान दो, नहीं तो तुम लोग घर पे कॉल जाएगा कंप्लेन. हाँ, अगला आठवां क्वेश्चन ये रहा. द इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे? 15 नवंबर. 15 नवंबर. आंसर इज 16 नवंबर. अच्छा मेरे को बताओ नेशनल प्रेस डे कभी था? 16 नवंबर. परफेक्ट. इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस क्या था, कब था? 16 नवंबर. 16, अरे 14 नवंबर ना है बाला, 16 नवंबर. ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट है गाइस नाइन्थ क्वेश्चन. विच कंपनी हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड टू कोलैबोरेट इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? क्या लग रहा है आंसर क्या आएगा? ONGC. ऑयल एंड नेशनल गैस कॉरपोरेशन. ये गलत है, आंसर है डी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन. सो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन कंपनी हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन टू कोलैबोरेट इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. देखो गाइस, तुम लोगों को ट्रिक बताऊँ एक, मैं कभी भी ऐसा होता है आंसर नहीं आता है. यहाँ पे दिख रहा है किसके लिए? रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, बराबर. रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है कौन बताएगा मुझे? दिव्या, व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी? स्कूल में पढ़ा था हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. हाँ, उसको क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, राइट. तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी दिख रहा है मुझे, देख रहे हैं कौन सा होगा. तो डी वाला लगभग लगभग लग रहा है, क्योंकि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऐसे समथिंग ऐसे करके ऑप्शन टिक करना है. हर बार ये वर्क नहीं करता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाइन्थ हो गया. टेंथ क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी हैज टॉप्ड द IQ एयर क्वालिटी एंड पॉल्यूशन सिटी रैंकिंग 2021? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताओ फटाफट से. दिल्ली. लॉक किया जाए दिल्ली. यस गाइस, तुम लोग बहुत स्मार्ट हो गए हो. तो दिल्ली ने टॉप किया है IQ एयर क्वालिटी एंड पॉल्यूशन रैंकिंग 2021. नेक्स्ट, ये था आपके 17 नवंबर के क्वेश्चंस. अब हम लोग जा रहे हैं 18 नवंबर के क्वेश्चंस के लिए. चलो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश. उत्तर यूपी. यूपी. ओके गाइस, आंसर इज यूपी. उत्तरांचल, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रिलेट करके तुम लोग बोल सकते हो नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे. कौन से स्टेट में वो किया है? यूपी में. अगला है, RBI हैज मैंडेटेड ऑल डिपॉजिट टेकिंग NBFCs विद डैश और मोर ब्रांचेस टू अपॉइंट इंटरनल ओम्बड्समैन विद इन 6 मंथ्स. 15. ओके, आंसर है गाइस 10. 10. ठीक है, 10 और मोर ब्रांचेस टू अपॉइंट इंटरनल ओम्बड्समैन विद इन 6 मंथ्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैंपेन टाइटल्ड मुंह बंद रखो, द कैंपेन टाइटल्ड मुंह बंद रखो हैज बीन लॉन्च बाय विच बैंक टू रेज अवेयरनेस ऑन फ्रॉड प्रिवेंशन? क्या लगता है मुंह बंद रखो किसने बोला है? HDFC बैंक. चलो आंसर है HDFC. वेरी वेरी गुड गाइस, HDFC. कैसे याद रखोगे तुम लोग? HDFC, बस ऐसे याद रखो. नेक्स्ट, नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन, द वर्ल्ड सीओपीडी, सीओपीडी का मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे, इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? थर्ड संडे ऑफ नवंबर। थर्ड संडे ऑफ नवंबर लॉक किया जाए? थर्ड वेनसडे ऑफ नवंबर बी है आंसर। थर्ड वेनसडे ऑफ नवंबर कौन सा दिन है? वो है 17 नवंबर। गए 17 नवंबर को क्या है, 17 खतरा बोलते हैं ना क्या, 17 खतरा, वो शो भी आता था एक भारती का, तो ऐसे करके याद रखो खतरा है क्रॉनिक डिजीजेस का 17 नवंबर। नेक्स्ट नेक्स्ट है इंटरनेशनली अक्लेम्ड बेस्ट सेलिंग ऑथर विल्बुर स्मिथ हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, क्या लगता है आप लोगों को कौन से कंट्री से होंगे? इंग्लैंड। इंग्लैंड से? इंग्लैंड। चलो देखते हैं आंसर है डी, डी यानी कि साउथ अफ्रीका। सो गाइस विल्बुर स्मिथ जो है साउथ अफ्रीका से है, जो पोस्थमस वाले जो क्वेश्चन है गाइस अगर आप स्किप भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 1 मार्क के लिए आता है ये सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, करंटली व्हाट इज द टोटल कॉर्पस ऑफ पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जिसको बोलते हैं PIDF ऑफ RBI, क्या लगता है आंसर क्या आएगा? 525। ओके आंसर है ए 614 करोड़, 614 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल एपिलेप्सी डे ऑब्जर्व्ड, व्हेन इज द नेशनल एपिलेप्सी डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? नवंबर 17 वाटते तुम्हाला? चला बघूया, येस वेरी गुड, नवंबर 17 को दो डे से, कौन सा था, एक तो एपिलेप्सी और कौन सा है मैंने तुम लोगों को बोला था 17 खतरा, कौन सा था वो क्रोनिक डिजीज वाला? मैम थर्ड वेनसडे था ना मैम, हर ईयरली चेंज होगा ये वाला जो है, हर वो वाला हर साल चेंज होगा बट ये वाला चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा 17 नवंबर को, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द पक्के टाइगर रिजर्व 2047 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज? त्रिपुरा। इसका आंसर है ई, अरुणाचल प्रदेश। पक्के टाइगर रिजर्व डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट ग्रास कॉन्ट्रोवर्सी और जर्म्स प्लाज्म कंजर्वेशन सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? उत्तराखंड। ओके गाइस आंसर है डी यानी कि उत्तराखंड। सो उत्तराखंड में ग्रास कंट्रोवर्सी जर्म प्लाज्मा कंजर्वेशन सेंटर इनॉग्रेट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम टू बूस्ट वुमेन पार्टिसिपेशन इन एनर्जी सेक्टर? यस एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन सी इंटरनेशनल। ओके देख लो आंसर है, आंसर है ई, ई मतलब ए एंड बी दोनों, एडीबी एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वी पावर एडीबी एंड वर्ल्ड बैंक दोनों याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है 11वां आपके सामने। ओके अगला क्वेश्चन है ही नहीं गाइज, अब हम चलते हैं 19 नवंबर के दिन, ठीक है, देखते हैं 19 नवंबर को क्या क्या हुआ था। एज पर यूबीएस सिक्योरिटीज व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया इन 21-22? यस आंसर 11.5, 10.5, 11.5, 10.5, तुम लोग का आंसर गलत है 9.5, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट कमिटी? सौरव गांगुली। सचिन तेंदुलकर। सौरव गांगुली। सौरव गांगुली आंसर, सौरव गांगुली, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन इज द वर्ल्ड फिलोसफी डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली, क्या लगता है वर्ल्ड फिलोसफी डे ग्लोबली कब होता है? थर्ड ट्यूसडे ऑफ नवंबर। थर्ड ट्यूसडे ऑफ नवंबर, थर्ड वेनसडे, थर्ड थर्सडे, न ट्यूसडे ना वेनसडे, ये आता है थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस?
गुरुग्राम गुरुग्राम यस फोर्थ वाला आंसर देख लो इसका आंसर है ए यानी कि गुरुग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हाउ मेनी एथलीट्स और एथलीट्स एंड कोचेस हैव बीन कन्फर्ड विद द फर्स्ट एवर विद द एक मिनट रुको ऑप्शन बी हैज बीन विद द फर्स्ट एवर एसएआई इंस्टीट्यूशनल अवार्ड्स क्या लगता है आंसर क्या आएगा 246 आएगा 124 ओके आंसर देख लो गाइस यहां पे आंसर है इसका 246 अवार्डीज ठीक है अगला क्वेश्चन इन इंडिया नेशनल नेचुरोपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन डैश 18 नवंबर को कौन सा डे है नेचुरोपैथी टेलीग्राम 167 सब्सक्राइबर पे भेजो अनीता अभी ना वो फोन से मैं बाद में भेजती हूँ अभी फिलहाल लैपटॉप से मैंने उसमें भेज दिया है वो बाद में भेजती हूँ ठीक है ओके सो क्या आंसर गाइस 18 नवंबर को कौन सा डे है नेचुरोपैथी डे है ठीक है अगला सवाल है तुम लोगों का ये सामने ये रहा स्क्रीन के सामने विच स्टेट्स राशन आपके ग्राम स्कीम एंड सिकल सेल मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या है आंसर इसका मध्य प्रदेश इसका आंसर है मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन एंड राशन आपके ग्राम ऐसे करके याद रख लो एक इजी बताओ ग्राम मतलब तुम लोगों को पता है चना मतलब मेरे यहाँ पे मैंने देखा है लोगों को जो यू मतलब ऐसे कुछ ये नहीं कर रही हूँ मैं अच्छा तारीफ ही कर रही हूँ जो मध्य प्रदेश के होते हैं वो ज्यादातर चना भिगा के खाते हैं ठीक है विच इज अ वेरी गुड थिंग तो ऐसे करके याद रख लो ग्राम मध्य प्रदेश ठीक है नेक्स्ट है एट्थ वाला क्वेश्चन पीयूष गोयल हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डिजिटल फूड म्यूजियम इन विच सिटी बी मैसूरु दिल्ली है तंजावुर कहाँ पे है तमिलनाडु में ठीक है नेक्स्ट विच कंपनी इज लॉन्च वॉइस ट्रेडिंग पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समवन इज सेइंग समथिंग बैकग्राउंड में ओके नेक्स्ट पेटीएम मनी चलो देख लो यहाँ पे आंसर है पेटीएम मनी नेक्स्ट है विच बैंक हैज गॉट द एसोचम अवार्ड फॉर बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द रीजनल रूरल बैंक्स कैटेगरी यस आंसर कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक सो इसका आंसर है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ठीक है सो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक हैज गॉट द असोचम अवार्ड फॉर बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द रीजनल रूरल बैंक कैटेगरी ठीक है सो गाइज अब हम चलते हैं 20 नवंबर के दिन फर्स्ट एज पर यूबीएस सिक्योरिटीज व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन 9.5% वेरी गुड जो कॉन्फिडेंस आया है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द आईसीसी अरे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये हो गया है सौरभ गांगुली हो गया नेक्स्ट सवाल है ये वर्ल्ड फिलोसफी डे कब होता है ये भी हो गया है ना डबल ये एक मिनट एक ही मिनट दे दो मेरे को बस इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड फिशरीज इनक्यूबेटर हो गया प्रोग्राम बीस नवंबर का फिर एक मिनट ना ओके गाइस लेट्स सी 21 नवंबर करंट अफेयर्स क्विज व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ द 2021 ट्रेस ब्राइबरी रिस्क रेटिंग्स जिसको बोलते हैं ट्रेस 82 आंसर है आप लोगों का 82 इंडिया ने कौन सा पोजीशन नीचे आ गया है 82 पोजीशन है लास्ट ईयर कितना था लास्ट ईयर था 77 ठीक है और इसका स्कोर कितना है 44 है
बस खत्म. नेक्स्ट नेक्स्ट है, विच बैंक हैज साइंड अ स्ट्रेटजिक अग्रीमेंट विद जमशेदपुर फुटबॉल क्लब, अ फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ टाटा सपोर्ट फुटबॉल इन इंडिया. यस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वेरी गुड आंसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सो गाइज, SBI हैज साइंड अ स्ट्रेटजिक अग्रीमेंट विद जमशेदपुर फुटबॉल क्लब, अ फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ स्टेट स्टील, टू प्रमोट एंड सपोर्ट फुटबॉल इन इंडिया. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ब्लैकटॉपिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड उमलिंग लापास इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. क्या लगता है? ऑप्शन बॉर्गर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन. ए ऑप्शन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लग रहा है आप लोगों को. चलो, वेरी गुड आंसर विशाल, राइट हो गया आंसर, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. हाँ हाँ, इटाची, आप भी राइट हो. नेक्स्ट नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ट्राइफेड आदि महोत्सव. क्या लगता है? सी मैरी कॉम. सी मैरी कॉम. मैरी कॉम. बी सी मैरी कॉम. अच्छा, गलत ऐसे हो गया. बी मैरी कॉम सही है, आंसर है बी. अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 2031 आईसीसी मेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप? इंडिया. 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 नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग एज द एज वन वीना टेनिस ओपन और एरिस्टे बैंक ओपन 2021? एलेक्जेंडर. तो आंसर देते हैं इसका आंसर डी, अलेक्जेंडर ज्वेरेव. क्या बोलेंगे तुम लोग, कैसे बोलेंगे? ज्वेरेव, है ना. अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश फर्स्ट एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर हैज बीन सेट अप इन नोएडा. 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 परफेक्ट आंसर इज नोएडा. अगला सवाल, वर्ल्ड टॉयलेट डे is observed as an official United Nations International Day across, कब होता है World Toilet Day? 19 November. देख लो भाई, ये बहुत जरूरी है, World Toilet Day 19 November. ठीक है, next है, what is the theme of the World Antimicrobial Week Awareness Week theme 2021? Spread awareness, stop resistance. कौन सा डे है? स्प्रेड अवेयरनेस, स्टॉप रेजिस्टेंस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द नेशनल न्यूबॉर्न वीक इज ऑब्जर्व एवरी ईयर फ्रॉम डैश. क्या लगता है? ऑप्शन ए. न्यूबॉर्न वीक होता है 15 to 21 November. ठीक है, 15 to 21 November. नेक्स्ट, ये हम लोग पहुंचे हैं 23 November. द यूनिवर्सल और वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हेन? वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे बहुत इजी है गाइस, बताओ आंसर फटाफट से. 20 November. ओके, इसका आंसर देख लो, इसका आंसर है ई, 20 November. अगला सवाल ये रहा, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2021 बाय द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल? प्रकाश पादुकोण. प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण का भाई, आई डोंट नो. ओके, नेक्स्ट, सी है गाइस इसका आंसर, सी है, प्रकाश पादुकोण हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2021 बाय द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल. नेक्स्ट नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज हैंडेड ओवर द इंडिजिनसली बिल्ट लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर्स डेवलप्ड बाय डैश. क्या लग रहा है? HAL. ओके, आंसर है इसका HAL. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एंड डैश विल बी फैसिलिटेटेड विद द इंडियन फिल्म फर्स्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड एट द IFFI 2021. ऑप्शन ए, हेमा मालिनी, सुन जोशी.
हाँ आंसर सही है हेमा मालिनी एंड प्रसून जोशी. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडबी हैज एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू हेल्प एमएसएमईज. गूगल इंडिया. गूगल गूगल वेरी गुड, गूगल इंडिया. नेक्स्ट अगला सवाल है, हु हैज ऑथर्ड हर फर्स्ट नॉवल लाल लाल सलाम अ नॉवल. स्मृति ईरानी. स्मृति ईरानी. Yes. अगला सवाल है, व्हाट इज द थीम ऑफ द यूनिवर्सल वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2021. ए ऑप्शन ए, बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड. ऑप्शन ए, अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड. अगला, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक रेमिटेंसेस प्राइसेस वर्ल्ड वाइड डेटाबेस रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक, व्हिच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द रेमिटेंस रिसीविंग कितना यूएसडी 87 बिलियन इन 2021. चाइना. इंडिया. इंडिया. आंसर है इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट, हु हैज रिटन अ बुक श्रीमद्रमयनम. क्या लगता है श्रीमद्रमयनम. ऑप्शन ई. ई है वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू. एक मिनट बुक कौन सा है, श्रीमद इन हैदराबाद, इट हैज बीन रिटन बाय शशि किरणाचार्य ने लिखा है. ठीक है. नेक्स्ट, हु हैज रिसीव्ड द 12th मणिपुर स्टेट अवार्ड फॉर लिटरेचर 2020 फॉर हिज बुक ई ए मैंदी. ओके गाइस, यू ऑल नो वन थिंग, ये मेरा लैंग्वेज है. मैडम पढ़ो फिर. एमाइंदी अड़गुन आई, मेरा लैंग्वेज मुझे नहीं आ रहा पढ़ने को. एमाइंदी क्या पता, एक मिनट रुको, वर्ड्स है ना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है. एनीवेज गाइस, ये आंसर बताओ इसका क्या आएगा. वेपर बॉम्बे. हाँ ऑप्शन बी. बी लग रहा है. बी फॉर बॉम्बे. बेरिल थंगा. ओके आंसर देख लो गाइस, बेरिल थंगा है. अगला है अपना 24 नवंबर का देखते हैं. 24 नवंबर, वी हैव टू बी वेरी क्विक नाउ. विच सिटी हैज रिसीव्ड द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड फॉर द 2021 फॉर बीइंग द क्लीनेस्ट सिटी. इंदौर. ये हुआ है आई थिंक. इंदौर. नेक्स्ट इंदौर है. अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज वर्ल्ड टेलीविजन डे. मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वर्ल्ड टेलीविजन डे कभी होता है. 21 नवंबर को क्या है, वर्ल्ड टेलीविजन डे है. नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज टॉप्ड द आईबीएफ. हो गया मम्मी, शायद से पहले आंध्र प्रदेश है ना. कहा थी मैं, हाँ. विच स्टेट हैज टॉप द आईपीएफ स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स 2021 रिलीज बाय द इंडियन पॉलिस. आंध्र प्रदेश. क्या लग रहा है, आंध्र प्रदेश. हाँ हुआ है लग रहा है जैसे, है ना, मुझे भी वही लग रही है. ये वाला हुआ है कि देखो, अब द विलर्स. नहीं नहीं हाँ मैम, मार्च नहीं है, नहीं हुआ है. वाला नहीं हुआ है. कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को लगेंगे हुए हैं, कुछ कुछ शायद. हम लोग एक काम करते हैं, फिर फास्ट फास्ट करते हैं इसको, है ना. फॉर्मर साउथ अफ्रीकन स्किपर अब्दे विलियर्स हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फ्रॉम द क्रिकेट. आरसीबी. आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर. सो गाइस क्रिकेट वगैरह देखते जाओ, ये सब में काम आएगा. अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फिशरीज डे कब होता है. 21 नवंबर. ये वाला आई थिंक लास्ट टू लास्ट लेक्चर में तुम लोगों को पढ़ाया था. नहीं. यस मैम, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हुआ. नेक्स्ट, वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स कब होता है. थर्ड संडे ऑफ नवंबर. ओके देख लो, यहाँ पे आंसर है थर्ड संडे ऑफ नवंबर. अगला, थर्ड संडे ऑफ नवंबर मतलब, गाइस मेरे को एक एक ही मिनट दे दो, बस एक ही मिनट. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. कहाँ थे हम लोग. आंसर है ए, वर्ल्ड रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स कभी होता है 21 ऑफ नवंबर. ठीक है. अगला सवाल गाइस, अगला सवाल ये रहा, रिनोड पंजाबी फोक सिंगर डैश पास्ट अवे. क्या लग रहा है, क्या आंसर आएगा एवरीवन. गुरमीत बावा. हो गया ये सब. नेक्स्ट लास्ट 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 नेक्स्ट नेक्स्ट फटाफट, द इंडियन आर्चर्स बैक डैश मेट द कॉम्पिटिशन. क्या लग रहा है. सेवन. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed as the CEO of ICC? ये डन है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है.
ग्रेग बी 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 गैंगबर्ग हाँ नहीं नहीं बी है इसका आंसर जी ऑफ एलरडाइज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज वन द 2021 F1 कतार ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ठीक है सो गाइज लेट्स गो टू 25th ऑफ नवंबर विच स्टेट इज बैक द बेस्ट मरीन स्टेट अवार्ड फिशरीज डे पे क्या लग रहा है आंध्र प्रदेश ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कनेक्ट 2021 विल बी ऑर्गेनाइज बाई विच ऑर्गेनाइजेशन CII ओके इसका आंसर है CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जिसका थीम देख लो गाइज बिल्डिंग अ सस्टेनेबल डीप टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम नेक्स्ट नेम द विनर ऑफ द टाटा लिटरेसी लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2021 क्या लग रहा है अनिता देसाई अनिता देसाई ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज प्लान टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड्स फर्स्ट बिटकॉइन सिटी क्या लग रहा है एल सल्वाडोर ओके अगला सवाल एल सल्वाडोर है इसका आंसर नेक्स्ट रेंज ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 एज पर एसबीआई इको रैप रिपोर्ट यस 9.3 to 9.6 आंसर इज राइट नेक्स्ट विच प्लेयर हैज वन मेंस सिंगल टाइटल एट द 2021 इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट केंटो मोमोटा मोमोस लग रहा है नहीं विशाल को मोमोस की याद आ रही है केंटो मोमोटा इसका आंसर अगला है द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज रिसेंटली सेटअप सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी एंड द सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम इन विच इंस्टीट्यूशन यस आई आई टी गुवाहाटी यस नेक्स्ट आसाम में है ये अगला है ईपीएफओ हैज बीन अलाउड टू इन्वेस्ट व्हाट परसेंट ऑफ द एनुअल डिपॉजिट इन द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या लग रहा है आंसर क्या है 5% ओके आंसर इज 5% ठीक है अगला सवाल विच कंट्री हैज सेट द जीनेस रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा वेनेजुएला लग रहा है ओके नेक्स्ट वेनेजुएला सही है हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द टाटा लिटरेचर लाइव ये हो गया है क्या लग रहा है आंसर बताओ जल्दी इसका आदिल जूस वाला मैम बैटरी कम है लेफ्ट करूं हाँ शांतनु चलेगा बाद में ना यूट्यूब में देख लेना ठीक है एंड गाइस यूट्यूब पे इसे याद आया आप लोगों को यूट्यूब के वीडियोस को लाइक करना है शेयर करना है और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना है और गाइस मैंने एक वीडियो डाला था अभी मंथ का और डेज का वो देख के चले जाना एग्जाम में तुम लोगों को हो सकता है पजल या कुछ आए उसके रिलेटेड ठीक है देखा तुम लोगों ने वीडियो नहीं देखा नहीं किसी ने देखो जाके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th नवंबर द फाउंडेशन स्टोन फॉर द रानी गैदिनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम has been laid down in which state recently yes answer batao फटाफट से मणिपुर ओके गाइस इसका आंसर देख लो इसका आंसर है मणिपुर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर द रीसेंट रिपोर्ट ऑफ गोल्डमैन सैक्स व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 क्या लग रहा है 9.1 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द 2021 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर डेविड टेनेंट डेविड टेनेंट
यस नेक्स्ट क्वेश्चन. इन इंडिया नवंबर 24 इज सेलिब्रेटेड एज मार्टिरडम डे ऑफ गुरु तेज बहादुर. ही वॉज द डैश गुरु ऑफ सिक्स नाइन्थ. ओके नाइन्थ सही है. अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉल्ड ट्रेड इमर्ज टू ऑफर डिजिटल बैंकिंग एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज. क्या लग रहा है? आईसीआईसी बैंक है इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन लचित डे इज सेलिब्रेटेड बाय विच स्टेट एनुअली. क्या लग रहा है? असम. 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 लचित डे जो है वो सेलिब्रेट होता है कहाँ पे? असम. नहीं, लचित डे जो है वो असम सेलिब्रेट करता है. अगला, विच कंट्री हैज बिकम पार्ट ऑफ द न्यू न्यूक्लियर पावर्ड सबमराइन डिफेंस अलायंस विद द यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स? ऑस्ट्रेलिया. 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 ओके नेक्स्ट. अब्दुल्ला हमदोक हैज बीन रीअपॉइंटेड एज विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर? सूडान. सूडान. ओके आंसर इज सूडान. नेक्स्ट. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम ईएसई पीएम हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी प्रोडक्ट एट डैश इन फॉर द ईयर 23. क्या लगता है आंसर क्या आएगा? 7 to 7.5. ओके 7 to 7.5%. नेक्स्ट, कौन से साल में? 23 में. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड अवार्ड्स एट अबू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 एट कुआलालंपुर इन मलेशिया. क्या लगता है आंसर क्या आएगा? ए एंड बी. ए एंड बी. ए एंड बी. आंसर इज ई. ए एंड बी. ए एंड बी मतलब दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं गाइस. 26 नवंबर बस 4 ही दिन बाकी है. विच सिटी हैज अचीव टॉप रैंक इन द इनॉग्रल एसडीजी अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 21-22? यस शिमला. शिमला. इसका आंसर है शिमला. नेक्स्ट, विच बैंक हैज टॉप्ड 2021 लिस्ट ऑफ ग्लोबली सिस्टमिक बैंक्स रिलीज बाय द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड? JP Morgan Chase. यस आंसर इज JP Morgan Chase. ठीक है, दिस बैंक्स आर डिवाइडेड इनटू 4 buckets. नेक्स्ट, द स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री हैज लॉन्च डार्ट मिशन टू इंटेंशनली क्रैश अ स्पेसक्राफ्ट इनटू एस्टेरॉइड्स? यूएस. नेक्स्ट, अगला सवाल है विच टेनिस प्लेयर हैज वन द 2021 ATP फाइनल्स? Alexander Zverev. ठीक है, अगला है which is the when is the international day for the elimination of violence against women celebrated? 25 November 23 November 25 25. ठीक है, next, what is the theme of the 2021 international day for the elimination of violence against women? क्या लग रहा है क्या theme है? Orange the world, end violence against women. Now, next, which city's Patalpani railway station has been renamed after tribal icon Tantia Bhil? Indore, Madhya Pradesh. Next, name the science and technology minister who has launched India's first virtual science lab for children under CSIR जिक्षा प्रोग्राम. डी जितेंद्र सिंह. इसका सही जवाब है डी जितेंद्र सिंह. नेक्स्ट, आरबीआई हैज रिवील्ड अ ड्राफ्ट स्कीम फॉर एमलगेमेशन ऑफ पीएमसी बैंक विद डैश. बोलो. यूएपी स्मॉल फाइनेंस बैंक. ओके, इसका आंसर है ए यू. नहीं, हाँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक. यू स्मॉल यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ. अगला है गाइस, विच बैंक हैज साइंड एन एमओयू विद पॉन्डिचेरी को ऑप मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड फॉर
फाइनेंसिंग इंडिविजुअल डेयरी फार्मर्स, क्या लगता है? इसका आंसर देख लो, इसका आंसर है बी, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट गाइज, अब बस 2-3 दिन ही बाकी है, जल्दी जल्दी करते हैं। द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द डैश इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्विक एवरी वन, गिव मी द आंसर फटाफट से। देख लो इसका आंसर थर्ड बी है, बी, फिफ्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, अगला अगला सवाल है, जीडीपी ग्रोथ रेट एज पर मूडीज फॉर द ईयर 2022। 9.3%। ओके, आंसर इज 9.3%। नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट इज अप्रूव टू फर्दर एक्सटेंड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। कौन सा पीरियड है, टिल विच पीरियड? मार्च 2022। ओके, वेरी गुड, मार्च 2022। विच कंट्री इज होस्टिंग द 13th ASME समिट इन 2021? क्या हुआ, जवाब नहीं आ रहा तुम लोग का? नहीं आ रहा, देख लो इसका आंसर है सी, सी यानी कि कैम्बोडिया। ठीक है, इज होस्टिंग द 13th ASME समिट इन 2021। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज चेंज्ड द बेस ईयर फॉर वेज रेट इंडेक्स, व्हाट इज द न्यू बेस ईयर? क्या लग रहा है? 2016। ओके, आंसर इज 2016। अगला, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया ऑब्जर्व कभी होता है? 26 नवंबर। 26 नवंबर। ओके, आंसर इज 26th of November। नेक्स्ट, द फिफ्थ वर्ल्ड कांग्रेस डे ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट द फिफ्थ वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट वाज हेल्ड इन विच सिटी? दिल्ली। ओके, आंसर इज दिल्ली। नेक्स्ट, फाइनेंशियल बॉडी हैज अप्रूव्ड $1.5 बिलियन लोन टू इंडिया फॉर प्रोकरिंग सेफ एंड इफेक्टिव कोविड वैक्सीन। वर्ल्ड बैंक। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक। एडीबी। नेक्स्ट, नेशनल मिल्क डे कॉमेमोरेटेड एवरी ईयर ऑन नवंबर 26 टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, क्या लगता है, क्या आएगा आंसर? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वेरी गुड, आंसर इज डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, अगला, निर्मला सीतारमन हैज लॉन्च तेजस्विनी एंड हौसला स्कीम्स एंड शिखर एंड शिखरा शिखार एंड शिखरा स्कीम इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? जम्मू एंड कश्मीर। ओके, नेक्स्ट, अगला है 28 नवंबर, गाइस 28 नवंबर देख लो, द नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, इन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट मल्टी मॉडल न्यूरो मेजिंग डेटाबेस स्वदेश, कौन से सिटी में? एन सिटी इन दिस इज बेस्ड इन वेयर, विच सिटी इज इट बेस्ड? इसका आंसर है ए यानी कि हरियाणा। ठीक है, कौन सा? गुड़गांव, हरियाणा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, 20th मीटिंग ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड, जल्दी बताओ आंसर। नहीं आ रहा, इसका आंसर देख लो बी है, बी मतलब नूर सुल्तान। ठीक है, नूर सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, क्विक एवरीवन, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे कब होता है? 27 नवंबर। आंसर इज 27th of November। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म हैज बीन चूजन फॉर द वर्ल्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2021 बाय कॉलिंस डिक्शनरी, कौन सा टर्म है वो? बहुत इजी है, मैंने तुम लोगों को सिखाया है। वैक्स, तो वैक्स भी है, वैक्स आई थिंक कौन सा, तो एक डिक्शनरी का है बट ये कॉलिंस का है, एनएफटी। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू क्रिएट साइबर टेसिल्स इन द स्टेट, आफ्टर दैट इट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू बिकम अ साइबर तहसील, क्या लग रहा है? तहसील, मध्य प्रदेश। ओके, आंसर इज मध्य प्रदेश। अगला सवाल, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन टू प्रमोट रीजनल एयर कनेक्टिविटी थ्रू उड़ान स्कीम? मेक माय ट्रिप।
मेक माय ट्रिप। अगला सवाल, नेम द फोर्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन विच हैज बीन कमीशन्ड रिसेंटली इनटू सर्विसेज बाय इंडियन नेवी एट मुंबई नेवल डॉकयार्ड। वेला। सनंता पास्ट अवे, ही इज अ डैश टेंटी, सनंता टेंटी म्यूजिशियन, ही इज अ पोएट। नेक्स्ट, इंडिया नाउ हैज डैश वुमेन फॉर एवरी 1000 मेन, इज गेटिंग एनी यंगर एंड नो लॉन्गर 1020 कितने आदमियों के ऊपर 1000। आर्मी चीफ ऑब्जर्व्स मिलिट्री एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति इन डैश देहरादून। नेक्स्ट गाइस, सो वी आर ऑन द लास्ट डे, दैट इज 30th ऑफ नवंबर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इंक्रीज द कैप ऑन प्रमोटर्स टेक इन प्राइवेट बैंक टू डैश परसेंट ऑफ द पेड अप वोटिंग इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द बैंक। यस, 26%। इसका आंसर है 26%, 26%। व्हिच स्टेट हैज इमर्ज्ड एज द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया एट ऑल डायमेंशंस इन द इनॉग्रल नेशनल मल्टी डायमेंशनल। बिहार। नेक्स्ट, अगला सवाल, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडैरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल इन एन इवेंट ऑर्गेनाइज हेल्ड एवरी ईयर ऑन डैश 29th नवंबर। कौन सा 29th नवंबर? ठीक है, अगला देख लो, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन। अग्रवाल, प्रेमलता अग्रवाल। हर्षवंती बिष्ट। ठीक है, अगला सवाल, हु हैज बीन स्वॉन इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेज रिपब्लिक, सॉरी नॉट, हाँ प्राइम मिनिस्टर, नहीं इसका आंसर है पीटर फियाला, है ना, यही है ना प्रोनाउंसिएशन, पीटर फियाला, पीटर फियाला, खतरनाक है। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग द टॉलेस्ट पियर रेलवे ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड इन मणिपुर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ब्रिज। 141 meters। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है कौन से स्टेट का है? मेघालय। मेघालय राजस्थान। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंतार्स ब्रांड्स इंडिया 2021 रिपोर्ट, विच ब्रांड इज इमर्ज एज द मोस्ट पर्पसफुल ब्रांड इन इंडिया अक्रॉस टेक्नोलॉजी कैटेगरी? अमेजॉन। स्विगी नहीं, अमेजॉन डी है ना, अमेजॉन, हाँ स्विगी नहीं, तो खाने का सोच रहा है किसको। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹1 crore ऑन व्हिच बैंक फॉर होल्डिंग शेयर्स इन द बोरो? स्टेट बैंक। 30% सेंट्रल बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यस, नेक्स्ट, सो नेक्स्ट, दिस बीइंग द लास्ट क्वेश्चन, व्हिच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड विद ट्रोपो गो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रोन इंश्योरेंस प्रोडक्ट? बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, सो ये थे हमारे क्या क्विजेस, कितने सारे क्वेश्चंस किए हमने, 17 से लेके 30, बीच के एक दो मिसिंग। पीडीएफ मिला सबको? यस। So guys, we are done with November most important quizzes questions from 17 to 30. Please do remember to like, share and subscribe our YouTube channel.